शर्मा, बात करेंगे आज तख्त की। जी हाँ, करण जौहर की वो फिल्म जिसका उन्होंने ऐलान किया है तख्त, मुगल बादशाहों के आपसी झगड़े पर, बेसिकली मुगल प्रिंस औरंगजेब और दारा शिकोह के ऊपर है। कैसे शाहजहां के इन दो बेटों के बीच जो जंग हुई वो इस फिल्म में दिखाई जाएगी। इसके लिए विक्की कौशल और रणवीर सिंह को चुना गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल ये जो जंग थी तख्त की वो केवल मुमताज के बच्चों के बीच में थी। जी हाँ, ऐसे तो शाहजहां की कई रानियां थी लेकिन उनमें मुमताज महल, जिनके लिए ताजमहल बना, उनके ये बच्चे थे, चार बेटे और तीन बेटियां बची थी। अगर आप ताजमहल पे जाएंगे तो ताजमहल पे लिखा हुआ है कि 14वां बच्चा जन्मते समय उनकी मौत हो गई। तो वो उन 14 में से कुल 7 ऐसे थे जो बचे थे और इस तख्त में शामिल थे। अगर आप जो करण जौहर ने जो डायरेक्ट करने जा रहे हैं, करण जौहर इस तरह की अपनी अलग फिल्म, हालांकि वो फैमिली फिल्में बनाते रहे लेकिन ये एक तरह से सीधे जंग है और पहली शायद पीरियड फिल्म होगी उनकी, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो किरदार उन्होंने घोषित किए हैं, आप उनके नाम, बेसिकली करेक्टर्स के नाम उन्होंने नहीं बताए कि कौन कौन सा करेक्टर प्ले करेगा, ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो हमारे बेस्ट सोर्सेस से पता चला है। अनिल कपूर का नाम उन्होंने लिखा है। अनिल कपूर जहां तक मोस्ट पॉपुलर माना जा रहा है शाहजहां का रोल करेंगे, और रणवीर सिंह और विक्की कौशल ये दो लोग औरंगजेब और दारा शिकोह का रोल करेंगे। अगर रणवीर सिंह जाते हैं सीधे उसी तरह के खिलजी वाले रोल में तो औरंगजेब का रोल उन्हें सूट करता है। और जहां तक तख्त उन्होंने इसलिए नाम रखा है कि लोग इसे दारा शिकोह की फिल्म ना मान लें, ना औरंगजेब की फिल्म मान लें, जिस तरह की पहली फिल्में बनती रही है राज तिलक या उस तरह की, तो फैमिली फ्लू पूरा दिखाया जाएगा। तो अब जो चार किरदार बचते हैं, चार लेडीज हैं इस फिल्म में, चार हीरोइंस हैं, इनमें करीना कपूर खान हैं, दूसरी भूमि पेडनकर हैं, तीसरी आलिया भट्ट हैं और चौथी जाह्नवी कपूर हैं। तो ये नाम उन्होंने घोषित किए हैं। विक्की कौशल को आपने संजू में भी देखा, विक्की कौशल मजबूत अभिनेता के तौर पे सामने आए हैं। कैसे तो ऐसे में उनका रोल भी बड़ा जबरदस्त होगा। अगर उनको दारा शिकोह का रोल मिलता है, जैसा कि माना जा रहा है कि उनको शायद दारा शिकोह का रोल होगा, तो दारा शिकोह कौन थे मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं, जो मुमताज के चार बेटे बचे और तीन बेटियां बची, तो ये जो रोल इन सबको मिलने जा रहे हैं, इनमें से कुछ मोटे मोटे रोल वो होंगे। जैसे पहला बेटा था दारा शिकोह, दारा शिकोह के बारे में ये माना जाता है भाई औरंगजेब रोड का नाम हटाया गया था, तब कहा गया कि दारा शिकोह को चर्चा हुई, दारा शिकोह कौन था। ये माना जाता है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अगर मुगल खानदान में किसी ने सबसे ज्यादा काम किया तो दारा शिकोह ने किया। सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का और उसे शाहजहां ने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि उसको अपना सक्सेसर यानी अपना उत्तराधिकारी मान लिया उन्होंने, और इसलिए दारा शिकोह को पहले से ही ये तय था। तो ऐसे में उसको बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी और शायद सबसे ज्यादा जो उन्हें दिया जाता था कि इतने घोड़े आपके अंडर में रहेंगे, आप इस बड़े प्रांत के गवर्नर रहेंगे, सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलते थे, सबसे ज्यादा शाहजहां के करीबी था। तो दूसरा जो बेटा था वो शाह शुजा था, तीसरा बेटा था औरंगजेब था और चौथा था मुराद बख्श। इन चारों के बीच में ये कहानी तब शुरू होती है जब शाहजहां बीमार पड़ते हैं। हालांकि इनकी तीन बहनें और थीं, तीन बहनें जहांआरा बेगम सबसे बड़ी थी। जहांआरा बेगम वो हैं जिन्होंने जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंद कर दिया था लाल किले में, जहां से वो ताजमहल को निहारा करते थे लास्ट के 8 साल, तब जहांआरा बेगम ने ही एक तरह से शाहजहां के साथ रह के उनकी सेवा करी थी। वो जहांआरा बेगम का रोल कौन कर सकता है ये बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि अगर वो जहांआरा बेगम का रोल करीना कपूर खान का नाम आ रहा है, करीना कपूर करेंगी तो ऐसे में वो रणवीर सिंह और विक्की कौशल दोनों की बहन का रोल प्ले करेंगी, और वही रोल सबसे सशक्त माना जा रहा है कि इसमें दो महिला किरदारों के रोल बड़े सशक्त होंगे। एक वो जो जहांआरा बेगम का रोल करेगी, एक वो जो उनकी दूसरी बहन रोशन आरा बेगम का रोल करेगी। जो पहली बहन है वो सबसे बड़ी थी, शाह शुजा और दारा शिकोह और औरंगजेब, जहांआरा बेगम वो सबसे बड़ी थी उम्र में। आमतौर पर मुगल जो थी, मुगल महिलाएं शादियां नहीं करती थी, तो ऐसे में जहांआरा बेगम का रोल करीना कपूर खान को अगर जाता है तो गोहन जो दूसरी जो आती है रोशन आरा का रोल मिलना तय हो सकता है भूमि पेडनकर को, क्योंकि जो अब तक किंवदंती है उसमें ये माना जाता है कि जो रोशन आरा थी वो औरंगजेब को सपोर्ट करती थी, इतिहास भी यही कहता है। और रोशन आरा का रोल थोड़ा सा नेगेटिव है, वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि औरंगजेब को नेगेटिव माना जाता है इतिहास में। औरंगजेब को कैसे रोशन आरा ने एक बार बचाया जब शाहजहां ने उसको बुलाया था, उसको लगा कि औरंगजेब उनको फॉलो नहीं कर रहा है और उसके अंगेश जा रहा है दारा शिकोह के, तो वो खबर रोशन आरा ने पहले ही औरंगजेब तक पहुंचा दी। दोनों बहनें अपने अपने भाई उन्होंने चुन रखे थे, जहांआरा ने दारा शिकोह को चुन रखा था, सगे भाई बहन थे जबकि एक ही माँ एक ही पिता तो उनके थे ही शाहजहां। तो रोशन आरा ने खबर की औरंगजेब को कि आना मत दिल्ली,
क्योंकि गिरफ्तार करवा सकते हैं तुम्हें शाहजहां। तो ये खबर थी उस वक्त से रोशन आरा काफी निकट आ गई और रोशन आरा ने इसका भरपूर बाद में फायदा भी उठाया। जब दारा शिकोह का सर कटवाया औरंगजेब ने तो उस सर को साफ करके एक सलीके से एक बॉक्स में रख के शाहजहां तक डिनर टेबल तक पहुंचाने वाली भी थी रोशन आरा थी। उस रोशन आरा ने बाद में शादी तो नहीं की लेकिन उन्हें काफी ताकत मिल गई जब औरंगजेब बादशाह बना, ढेर सारी ताकत मिली उन्हें और उन्हें तमाम जो फरमान जारी करती थी उनके वो चलते थे। आखिर में आके औरंगजेब ने वो उनकी ताकतें कम की, बाद में उन पर बंदिश लगाई, वो अलग कहानी है। लेकिन रोशन आरा का रोल माना जा रहा है कि भूमि पेडनकर को मिलेगा, वो भी दोनों की बहनें होंगी एक तरह से, औरंगजेब और दारा शिकोह की, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की। ऐसे में जाह्नवी कपूर का रोल क्या होता है ये अभी तक ताज्जुब में मतलब लोगों को पता नहीं है कि जाह्नवी कपूर या तो उनकी तीसरी बहन का रोल करेंगी गौर आरा, और हो सकता है कि गौर आरा के जो रोल को माना जा रहा है कि औरंगजेब ने उनकी लव स्टोरी को खत्म कर दिया था, उस बंदे को मरवा दिया था, तो मे बी जाह्नवी कपूर एक बार फिर अपने धड़क वाले रोल में हो सकती है। तो अब बचती है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का रोल क्या हुआ कि अगर दोनों जो बड़ी बहनों के रोल हैं वो अगर भूमि पेडनकर और करीना कपूर खान के हिस्से में जाते हैं तो आलिया भट्ट के हिस्से में जो रोल बताया जा रहा है वो होगा दारा शिकोह की जो पत्नी थी नादरा बेगम का। नादरा बेगम के बारे में और दारा शिकोह के बारे में आपको बता रहा था कि दारा शिकोह कैसे एक पॉजिटिव किरदार था, कैसे देश के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा था, उसलिए अच्छा माना जा रहा था कि वो बंदा था जिसने देश की नब्ज को पकड़ा, कैसे एक मुगल होते हुए भी उसने हिंदू जो ग्रंथ है उपनिषद, कहा जाता है कि गीता उपनिषदों का सार है, वो जो उपनिषद थे उनका एक ट्रांसलेशन करवाया, सिर्रे अकबर उनका नाम रखा, और उसको बहुत लोग अभी पढ़ते हैं और बात करते हैं, दारा शिकोह की चर्चा करते हैं कैसे वो सारे हिंदू मुस्लिम सब ग्रंथों की चर्चा करता था। ये दोनों जाहरा बेगम और दारा शिकोह दोनों भाई बहनों को माना जाता था कि मुगलों में सूफियाना किस्म के या सूफियाना पीढ़ी के ये दो लोग थे, काफी धर्म चर्चा करते थे, विद्वानों से चर्चा करते थे। दूसरी जो किताब थी मजमूर बहरीन यानी दो महासागरों का मिलन, कौन से दो महासागर, हिंदू और मुस्लिम, ये किताब लिखी थी मजमूर बहरीन खुद दारा शिकोह ने, इसलिए उनकी बड़ी चर्चा होती थी, विद्वान माना जाता था और माना जाता था उन्होंने देश की नब्ज को पकड़ा है। लेकिन जब पहली बार विद्रोह कर दिया, मैं बता रहा था कि सबसे पहले विद्रोह से पहले बात करेंगे उनकी बेगम की, नादरा बेगम, आपको मालूम है शायद ही पहला मुगल बादशाह रहा होगा ये इकलौता शायद जिसने केवल एक शादी की। नादरा बेगम से उनका प्यार मुमताज और शाहजहां से कहीं ज्यादा था लेकिन वो वक्त के पर्दों में, वक्त के पन्नों में छुप कर रह गया, वो किसने नहीं जाना। नादरा बेगम ने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया और हमेशा उनके साथ रही। जब औरंगजेब ने कब्जा कर लिया आगरा पर तब दारा शिकोह अलग अलग जगह भागते फिरे, बाद में ताकत इकट्ठी की, लेकिन उसी भागते रहने के दौरान कहीं बोलन पास दर्रा था वहां पर मौत हो गई नादरा बेगम की। और नादरा बेगम का रोल आलिया भट्ट के हिस्से में आ सकता है, काफी पॉजिटिव रोल है और उन्होंने आखिरी इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे भारत में ही दफनाया जाए, तो वहां से वो लेकर आए लाहौर में, उनको लाहौर भारत में था तो लाहौर में उनको दफनाया गया। और जो जाह्नवी बेगम थी, जाह्नवी बेगम का भी रोल बड़ा जबरदस्त है। जब मैं इसकी लड़ाई की शुरुआत तख्त के लिए कहां से हुई, सबसे पहले शाह शुजा ने विरोध किया दारा शिकोह का, इधर मुराद बख्श को औरंगजेब ने मिला लिया और एक एक करके औरंगजेब ने अपने बाकी तीनों भाइयों को मार दिया। सबसे आखिर में 30 अगस्त 1959 को एक जो गद्दार था उसने पकड़वा दिया शाह शुजा को, उससे पहले उनका बेटा सलमान शिकोह पकड़ा गया और बेटे के सामने, यहाँ एक दूसरा बेटा उनके साथ था, उसको पकड़ के लाया गया दिल्ली चांदनी चौक में, एक हाथी पर बांध दिया गया और चांदनी चौक में जो करीबी थे दारा शिकोह के उन सबको नीचे सड़कों पे लिटा दिया गया, उसके ऊपर से वो हाथी निकला कि दारा शिकोह देख सके कि लोग कैसे मरते हैं, बाकायदा मुकदमा चला के वहीं उनको फांसी दे दी गई दारा शिकोह को। और जाह्नवी बेगम जो शुरुआत में औरंगजेब की भी बड़ी सपोर्ट करती थी, बाद में उन्हें दारा शिकोह की सपोर्ट करने लगी और वो उन्हें जब लगा कि कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने तय कर लिया कि वो उनको रखा जाएगा, लाल किले में रहेंगी शाहजहां के साथ और 8 साल तक अपने पिता की सेवा करती रहीं। बता दूं जाह्नवी बेगम की इतनी चलती थी, काफी विद्वान थी, कविताएं लिखती थी और जाह्नवी बेगम की इतनी ज्यादा चलती थी उस वक्त के तीन, जब मुमताज महल जो कहा जाता है कि मलिका पातशाह बेगम कहते थे उन्हें, उनके मरने के बाद 1931 में बाकी तीन बीवियों को होते हुए भी उन्होंने अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी बेगम को पातशाह बेगम का ओहदा दिया था और ढेर सारी जागीरें दी थी उनको। ऐसे में ये अलग अलग किरदार और ये झगड़े उस तरह से दिखाए जाएंगे, कौन आखिर में औरंगजेब की जीत होगी वो तय है, लेकिन जाह्नवी और रोशन आरा का जो किरदार है वो निकल के आएगा। दारा शिकोह का किरदार पहली बार
टीवी स्क्रीन पर उस तरह से फिल्म स्क्रीन पर दिखाई देगा बड़ा, हालांकि रोल छोटे मोटे दर्शकों के आते रहे हैं, लेकिन ये फिल्म लगता है पहली बार इतनी ऑडियंस तक पहुंचेगी। करण जौहर खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो सामने आएगा, लेकिन ये थी बड़ी जानकारी आपको हमने दी। तो ये थी करण जौहर की आने वाली बड़ी फिल्म तख्त की कहानी, उसके किरदार और उसके कलाकार, उनकी जानकारी। ऐसी तमाम दिलचस्प खबरों की जानकारी आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर और इंडिया न्यूज़। थैंक यू, नमस्कार।